मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्ष अब उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब एक यूट्यूब चैनल बना चुके हैं, जिनका प्रमोशन यानी कि प्रचार खुद मोदी जी ही लाइव आकर कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाने के लिए भी बोल रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस कारनामे को लेकर अब वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्या सब्सक्राइब करते हैं देश को पता ही नहीं है, लेकिन वे अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए देश से अपील कर रहे हैं। गोदी मीडिया के बाद भी प्रधानमंत्री को यूं यूट्यूब चैनल के लिए अपील करनी पड़ रही है, तब तो गोदी सेठों को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे ईडी से जांच करा लें कि खाली बैठे गोदी सेठों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेत ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सुप्रिया सेनेत लिखती हैं, साहब का यूट्यूब की तरफ मुखरित होकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आखिरकार पूरे देश में 57 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब देखते हैं और ये लोग गोदी मीडिया के चरण चुंबकों की असलियत से वाकिफ हैं। यह लोग ठोस मुद्दे पर चर्चा होते देखना चाहते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था। वो हिंदू मुसलमान से अब ऊब चुके हैं। अब जब इन चरण चंपकों से बात नहीं बन रही है तो अब यूट्यूब में छवि चमकाने पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि यूट्यूब पर कोई इनको सुनना ही नहीं चाहता। वहीं जननायक को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। एक और राहुल जी की वीडियो और लाइव को लाखों व्यूज मिल रहे हैं, वहीं साहब का हजार का आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है। वहीं विक्रम नाम के यूजर ने कहा, क्या जमाना आ गया है कि अब प्रधानमंत्री को अपने चैनल का प्रचार करना पड़ रहा है। दीपक अग्रवाल लिखते हैं, देश का प्रधानमंत्री क्या इतना खाली होता है कि अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करे। प्रधानमंत्री जी, आपके अपडेट्स हमें गोदी मीडिया के माध्यम से मिलता ही रहता है, कृपया आप अपने रैली और भाषण वाले समय में कुछ कटौती करके मणिपुर भी घूम आइए, खूबसूरत जगह है, मजा आएगा।